23 देखिए, 23 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दिखाइए कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के अंतर्गत महत्तम आयतन वाले शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, मैंने इस तरह का आपको बताया था, एक गोला बना लेना है, इसमें हमें एक शंकु बना लेना है। थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, ऐसे आप इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इसको तो यार कम से कम बनाओ, अंक वाला है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, ये आपका शंकु हो गया इसके अंदर, समझो। यहाँ पे हम लोग गोले का केंद्र यहाँ पे ले लेते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं यहाँ तक, और इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। चलिए समझिए अब इस बात को, यहाँ पर हमारे पास गोले की त्रिज्या दी है, यह 12 सेंटीमीटर, ओ ए 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैं बी देता हूँ, यहाँ सी देता हूँ, तो यह 12 है, तो यह भी आपका 12 हो जाएगा। मैं ओ बी को इसमें एक्स मान लूंगा, अभी बताया था ना मैंने एक क्वेश्चन, माना ओ बी बराबर में एक्स सेंटीमीटर, यहाँ से बी सी निकल जाएगा, रूट अंडर ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, जैसे अभी बताए थे ना वही क्वेश्चन आ गया है, 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो बी सी निकल गया, अब इसके बाद तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू चाहिए ना, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस में ओ बी, यानी कि आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और प्लस में एक्स, तो 12 प्लस एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, 12 प्लस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी का वैल्यू। अब वही करना, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर एच इंटू ए बी, 1/3 पाई बी सी का स्क्वायर, तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर यानी 144 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसी का ना स्क्वायर करेंगे, और ए बी का वैल्यू तो वही 12 प्लस एक्स, क्या दिक्कत है, स्क्वायर से रूट हटाएंगे। फिर अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछला क्वेश्चन, एक बताया था ना इस तरह का, 1/3 पाई यहाँ पे है 144 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है 12 प्लस एक्स, सॉल्व करना, इसमें आपको एक्स का वैल्यू 4 लाना होगा, एक्स का वैल्यू 4 आते ही सॉल्व करके बनाओगे, डिफ्रेंशिएट करके एक्स का वैल्यू 4 आते ही 12 × 4 = 16 हो जाएगा, जो कि शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगी 16 हो जाएगी, समझ गए ना। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैंने शुरू में जो क्वेश्चन बताया था ना, क्वेश्चन नंबर कितना 21 नंबर ही ना, वो इसी तरह का था, सेम है, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बन जाएगा आपसे। तो मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में आज इतना ही रहने देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक आपको मिलेगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।